बैरिया प्रखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी मंडल के कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष हरिहर साह के द्वारा तादुआ आनंदपुर में किया गया। इस दौरान जिले से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि भाजपा को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत करना है। उक्त कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब पार्टी मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा, इत्यादि विषय पर चर्चा की गई। वहीं नौतन विधानसभा प्रतिनिधि नीरज कुमार उर्फ बबलू ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को लौरिया के साहू जैन हाई स्कूल के प्रांगण में देश के गृहमंत्री अमित शाह का आगमन होने जा रहा है। इस अवसर पर अधिक से अधिक जनसंख्या में रैली में कार्यकर्ता समेत जनता को भाग लेने व पहुंचने का चर्चा किया गया। मौके पर चंद्रमा सिंह, उमेश पांडे, नीरज कुमार उर्फ बबलू, चंद्रशेखर राव आदि मौजूद रहे। आज जो बैठक किया गया है, किन किन विषयों पर चर्चा किया गया? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, हर 3 माह के बाद हम मंडल कार्य समिति की बैठक करते हैं और यह मंडल कार्य समिति पूर्णतः कामकाजी बैठक होती है। इसमें पार्टी के तरफ से जो आगामी कार्यक्रम मिलते हैं उसको हम लोग कार्यकर्ता के बीच में रखते हैं। जैसे अभी पार्टी ने अल्प विस्तारक के लिए बूथ समिति बनना का समीक्षा वगैरह करना है, दूसरा अपने वाल्मीकि नगर लोकसभा में अपने देश के यशस्वी विधायक और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, इस निमित्त रैली को सफल बनाने के लिए कई अहम जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं को दी गई है। कब उनका आगमन हो रहा है? 25 फरवरी को कहाँ पर? लौरिया साहू जैन उच्च विद्यालय में 10 बजे से उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम में भी ज़्यादा इस मंडल कार्य समिति में हम लोगों ने इसी विषय को ज़्यादा रखने का काम किया है। क्या नाम है? रवि सिंह हुए, लोकसभा सदस्य। आज जो बैठक किया गया है, किन किन विषयों पर चर्चा किया गया है और क्या क्या बताया गया है अपने कार्यकर्ताओं को? आज की बैठक इस मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल का अंतिम कार्य समिति बैठक थी। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय गृह मंत्री का आगमन लौरिया साहू जैन उच्च विद्यालय में कार्यक्रम निर्धारित है 25 फरवरी को 10 बजे सुबह से, और हम सभी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह टोली बनाकर वहां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ले जाने के लिए आग्रह किया है और उन लोगों को यह बताया है कि हम लोग सही समय से यहां से प्रस्थान करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या नाम है आपका? उमेश पांडे, जिला उपाध्यक्ष।